हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्विंग आर्म असेंबली, जो कि कंप्लीट हमने लिया हुआ है TVS की राइडर बाइक का। भाई स्विंग आर्म की अनबॉक्सिंग तो मैंने बहुत सारी गाड़ियों की है, लेकिन इसका स्विंग आर्म ना यार इतना हैवी है कि मैंने अभी तक इतने हैवी स्विंग आर्म की असेंबली की अनबॉक्सिंग की ही नहीं थी। मतलब जितने भी यार मैंने स्प्लेंडर के स्विंग आर्म की असेंबली की अनबॉक्सिंग की, यार वजन में कुछ है ही नहीं, उसमें तो कोई वजन ही नहीं है और गलते और ख़राब हो जाता है, टेढ़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। उसके अलावा मैंने पल्सर के स्विंग आर्म की भी अनबॉक्सिंग की हुई है, उसका भी वजन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका यार मतलब एक हाथ से तो मैं उठा ही नहीं पा रहा, दो हाथ से उठा रहा हूँ। इसमें इतना क्या है इसके अंदर, ऐसा मतलब स्विंग आर्म के अंदर क्या डाल के दे दिया है जो इतना भारी है, देखते हैं फटाफट। अच्छा, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा यार राइडर का स्विंग आर्म जंग लग के ख़राब हो गया, लगेगी नहीं, इतना मजबूत है। अच्छा, उसके बाद भी किसी के राइडर के स्विंग आर्म में अगर जंग लग गई है तो कंपनी की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है उसमें, कस्टमर की लापरवाही हो सकती है कि भाई मट्टी लगी हुई है और गीली होते ही वो लग जाती है, मट्टी लगी हुई होगी ना स्विंग आर्म में। चलो इस बारे में बाद में वीडियो के अंदर आगे चर्चा करेंगे कि स्विंग आर्म को कैसे सेफ रखा जाए, इसके ऊपर वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं बेताब हूँ। भाई पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, एक्सल इसके अंदर निकलेगा या नहीं निकलेगा हमें नहीं पता, हमने स्विंग आर्म लिया लेकिन इसके साथ क्या क्या आएगा साथ में हमें नहीं पता, तो हमने एक्सल अलग से परचेज कर लिया है कि अगर इसके साथ आया तो ठीक है, नहीं आया तो अलग से ले लेते हैं। तो फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। MRP वगैरह आपको इसकी बाद में दिखाएंगे, पहले स्विंग आर्म को पूरा बाहर निकाल लेते हैं, स्विंग आर्म की क्वालिटी कैसी है वो देखते हैं। ये भाई TVS का जेन्युइन स्विंग आर्म, वाकई में यार इतना ज़्यादा भारी है, मतलब क्या है इसके अंदर ऐसा, और पन्नी के अंदर पैक दिया है, डब्बे के अंदर देते तो और भारी हो जाता। तो ये बाहर TVS की जेन्युइन पैकिंग है, इसे बाहर कर देते हैं, इसे भी साइड करते हैं। पन्नी के बाद एक और पैकिंग है, इसे भी बाहर कर देते हैं, और ये आ गया हमारे हाथ में स्विंग आर्म। ऑनेस्टली बता रहा है यार इतना हैवी स्विंग आर्म है ये कि मैं खुद मतलब हैरान हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि स्विंग आर्म के अंदर ना इन्होंने बुश हमें साथ में लगा के दिए, और ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि नए स्विंग आर्म के अंदर बुश मिल रहे हैं, मतलब कम से कम नए स्विंग आर्म में बुश तो नहीं लगाने पड़ेंगे। बुश की कैप है, इसे साइड करते हैं और यहाँ से इसे छुटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं पूरा। और इसकी जो जंपर रॉड बोलते हैं इसे, या ड्रम प्लेट की स्टॉपर रॉड बोलते हैं, ये भी साथ में आई है इसके साथ स्प्रिंग, और ये कनेक्ट करके ना कंप्लीट दी है। अच्छा यार, माइनस पॉइंट क्या है, चैन का एडजस्टर दोनों ये नहीं दिए, चैन एडजस्टर भी होते ना तो बढ़िया होता। प्राइसिंग देखेंगे ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि चैन एडजस्टर देना सही है इस प्राइस में, देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे, आप लोग भी डिसाइड करके बताना कुछ मुझे। जब गाड़ी के अंदर सिंगल सॉकर है तो सिंगल सॉकर का जो यहाँ पे जो इन्होंने पूरा होल्डर बना के दिया हुआ है, इसके अंदर सिंगल सॉकर का जो लॉक है वो आज मतलब सिंगल सॉकर टाइट हो जाएगा और यहाँ से इसका एक्सल लग के टाइट हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है इसका व्हील का एक्सल तो हमने लिया हुआ है, यहाँ लगेगा, लेकिन इसका जो फाउंडेशन का एक्सल है वो ये है। तो यहाँ पे ना भाई आप लोग देखो यार डिज़ाइन, मतलब इतना हैवी है यार ये, मैं खुद हैरान हूँ दोनों हाथों से। मतलब जिम में यार हम भी अच्छा खासा वजन उठा लेते हैं, लेकिन यार ये मतलब उठा के पता लग रहा है कि हाँ वजन तो है इसके अंदर, काफ़ी हैवी है। सही बताऊँ तो मैंने इतना हैवी स्विंग आर्म अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया था। इस बार मेरे दिमाग में आया कि यार राइडर का स्विंग आर्म अगर हम डाल ही रहे हैं तो एक बार आपको भी बताया जाए कि कितने का उसका स्विंग आर्म है। वैसे तो ये जल्दी से ख़राब ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने अलग से स्विंग आर्म का तो वेट है ही है, उसके अलावा यहाँ पर इस एरिया में ना अलग से यार इन्होंने इतने बड़ी लोहे की चादर को वेल्ड किया हुआ है, और इस वेल्डिंग की इस चादर की वजह से ना काफ़ी 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 ज़्यादा स्विंग आर्म जो है वो मजबूत हो गया है और ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो स्विंग आर्म होते हैं यहीं से गलते हैं। आप नोटिस करना कभी भी, कितनी ही स्विंग आर्म होंगे जो यहाँ से जंग लग के गल गए होंगे। गाड़ी रोड पर चलती है, रोड पर चलने के बाद कीचड़ में से निकलती है, मट्टी आती है और यहाँ जमा हो जाती है धीरे धीरे। अब जो कस्टमर गाड़ी टाइम पर नहीं वॉश करवा पाता, धुलवा नहीं पाता, तो वो जमी रहती है, और जब भी पानी में से निकलते पानी उस मट्टी के ऊपर जाती है, मट्टी गीली हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हिस्सा है वो नमी के कारण जंग पकड़ लेता है, और एक बार अगर लोहे ने जंग पकड़ लिया तो धीरे धीरे जंग पूरे लोहे को खा जाती है और खोखला कर देती है, ख़राब कर देती है। तो ज़्यादातर स्विंग आर्म यहीं से ख़राब होते हैं, और कंपनी ने TVS ने दिमाग लगाया कि यहाँ से ख़राब होते तो हम यहीं पे जो है मोटा पार्ट देंगे, मजबूत कर देंगे, तो ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा अलग से स्विंग आर्म तो है ही है, इतना स्विंग आर्म के ऊपर अलग से इतनी मोटी चादर को वेल्डिंग किया हुआ है, और शायद उसी की वजह से इसका जो वेट है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। बुश इसके अंदर साथ में देखो, रोलर वाले बुश है, रोलर बुश इसके अंदर साथ में लगे हुए हैं, स्विंग आर्म के अंदर ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो चैन कवर, जहाँ पर चैन चलती है मेन, उसकी रबड़ होती है वो भी लगी हुई आई है स्विंग आर्म में। ड्रम प्लेट की जो जंप रॉड है वो भी लगी हुई आई है, और यहाँ पर कुछ पार्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, और पार्ट नंबर इस पर लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपर पार्ट नंबर है भाई, यहाँ पर पार्ट नंबर भी बता ही देते हैं। पार्ट नंबर है इसका N6090630, और उसके अलावा डेट इस पर डली हुई है 4/4/2024।
तो ज़्यादा पुराना तो नहीं है, इसी साल का स्विंगआर्म है। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। अच्छा ये अलग, यहाँ पे जो हमारे हाथ में एक्सल है, व्हील का एक्सल है, व्हील एक्सल बेसिकली यहाँ पर लगेगा, ये इस तरीके से कुछ टाइट हो जाएगा। ये आगे पीछे इसलिए होता है क्योंकि, अच्छा ये कई लोगों को नहीं पता होगा कि इतना हिस्सा क्यों दिया जाता है। भाई जब मेन चैन जब गाड़ी में फिट हो जाता है और चैन सेट लग जाता है, तो चैन जो है ना, जब नया चैन सेट लेते हो तो यहाँ पर होता है, और जब चैन लूज़ होती रहती है, चलती रहती है, धीरे धीरे टाइट होकर आप पीछे आता रहता है, वो चैन एडजस्टर उसमें हेल्प करते हैं, तो चैन एडजस्टर इसके साथ नहीं निकले। अब प्राइसिंग देखते हैं इसकी कितनी है, एक्सल की भी प्राइसिंग देखते हैं। तो नए स्विंग आर्म का पार्ट नंबर हमने आपको बता ही दिया, स्टिकर थोड़ा ख़राब हो गया है, और 2137 रुपये स्विंग आर्म की MRP है। और अगर मैं बात करूँ 2137 रुपये के हिसाब से इसका प्राइस ठीक है या नहीं है, तो स्विंग आर्म भाई जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है ना, इसके अंदर वेट है और मटेरियल है, उस हिसाब से ये प्राइसिंग बिल्कुल ठीक है। मतलब ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ही कम भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली गाड़ियों के यार जो स्विंग आर्म है ना, अगर मैं पल्सर की बात करूँ तो 1700-1800 रुपये के उसके भी आ जाते हैं। और इसकी बात करूँ तो ये यार जो हिसाब से बजाज के स्विंग आर्म की क्वालिटी है, उस हिसाब से इसकी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बजाज से तो बहुत दूर दूर तक बहुत हैवी क्वालिटी है। तो इस चीज़ के लिए भाई कंपनी को सलूट है अपना, कि कंपनी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया स्विंग आर्म के अंदर। अच्छा बात करें एक्सल की, तो एक्सल साथ में नहीं आया, एक्सल हमने अलग से परचेज किया था, और एक्सल की जो प्राइसिंग है वो है 345 रुपये। तो 345 रुपये का एक्सल है। एक्सल का पार्ट नंबर बता देते हैं आपको, पार्ट नंबर एक्सल का N911070, नेट क्वांटिटी एक पीस, MRP है 345 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, प्रोडक्ट है रियर एक्सल 1.5, ये साइज दे रखा है इसका। तो ये थी हमारी TVS राइडर के स्विंग आर्म असेंबली की अनबॉक्सिंग और प्राइसिंग और क्वालिटी। तो आशा करता हूँ भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। बाकी हम लोग इंस्टाग्राम पर भी छोटी छोटी रील्स डालते रहते हैं, वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो फटाफट से जाइए फॉलो करिए, मैं इंस्टा पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।